हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो फट से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी रोटी, जो बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइस, हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए लेंगे हम लगभग 200 ग्राम मैदा। इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से हिला लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से चिरोटे खस्ता बनते हैं। घी डालने के बाद इस तरह से मैदे में मिला लेंगे और मैदा इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हमें पानी मिलाकर इसका अच्छा सख्त डो बनाएंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसे ज़्यादा देर नहीं ढककर रखना है, वरना चिरोटे अच्छे नहीं बनेंगे। डो तैयार होता है इतने में हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे 1 छोटा बाउल शक्कर। इसमें मिलाएंगे 1/2 छोटा बाउल पानी। चाशनी 2 तार की बनाएंगे। 5 मिनट बाद डो तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। हम इसकी रोटी बेलेंगे। हमने इस तरह पतली 3 रोटी बेल ली, आप देख सकते हैं। रोटी के ऊपर लगाएंगे घी। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा भुरक देंगे। इसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी और इसके ऊपर लगाएंगे घी। हमें घी अच्छे से लगाना है। सेम इसी मेथड से इसके ऊपर भी मैदा भुरक देंगे। और तीसरी रोटी रख देंगे और इसे हल्के से बेलेंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मैदा। इस तरह से रोल बना लेंगे। आप देख रहे हैं, हमें रोल इस तरह से बनाना है। रोल बनाने के बाद इस तरह से हम इसके पीस काट लेंगे। पीस हमने इस तरह से मोटे काटे हैं। अब हम इन्हें हल्के हाथ से बेलेंगे। इस तरह से हमें बेलना है। सभी पीस को बेल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है। अब हम इसमें चिरोटे तलेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलना है। चिरोटों को डीप फ्राई करेंगे तो अब हम इसे पलट देंगे और हम इस तरह से 1 चम्मच से इसके ऊपर घी डालते रहेंगे ताकि इसके सभी पार्ट अच्छे से फूले। गाइस, इनका कलर चेंज होने लगा है और हमको थोड़ी थोड़ी देर में 1 चम्मच से इसी तरह घी डालते रहना है ताकि इसकी लेयर अच्छे से निकले। चिरोटे तैयार है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चिरोटे को शुगर सिरप में डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे। फ्रेंड्स, 3 मिनट बाद चिरोटे को शुगर सिरप से निकाल लेंगे और ये खाने के लिए तैयार है। चिरोटे को हम बनाकर रख सकते हैं और कई दिनों तक खराब भी नहीं होते। यदि आपके यहाँ अचानक मेहमान आ जाए तो आप इनको शुगर सिरप में कर सर्व कर सकते हैं। आप प्लीज़ आप इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।